अर्थ प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम पहुँचे हैं पंचकुला के डीसी ऑफिस, जहाँ पे आज आखिरी दिन नगर निगम चुनाव का जो नामांकन होना था वो आज आखिरी दिन किया गया। तो जानते हैं जो उम्मीदवार आज आए हैं नामांकन के लिए, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो आज क्या कहना चाहते हैं लोगों से। जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, लोगों की उम्मीद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने मुझे इस काबिल सोचा समझा और मुझे आशीर्वाद दिया। और जितने भी पिछले 2.5 सालों से जो हमने पिछले 5 साल में काम आज वो पिछले 2.5 सालों से कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, वो अगर जनता पब्लिक हमें आशीर्वाद देगी सबसे पहले तो वही कार्य पूरे करेंगे। पेट्रोल शेड का है और इसका डंपिंग ग्राउंड का शिफ्टिंग का इशू है और हर एक सेक्टर में लाइब्रेरी का, छोटी लाइब्रेरी हो सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, और भी कई काम है। जो वाटर सप्लाई है लोगों को 24 आवर मिले उसके लिए भी। जब आपने इससे पहले मेयर पद का प्रभार संभाला था, कार्यकाल था आपका, कई वित्तीय अनियमितता नगर निगम की देखने को मिली थी, जिसको सारा ट्रैक रिकॉर्ड किया गया था, ऑडिट करवाए गए थे। अब 2.5 साल में फिर अगर जो सारा अव्यवस्था हुई है उसको कैसे देखेंगे? देखो, सबसे फर्स्ट ऑडिट मैंने ही करवाया था क्योंकि करप्शन का अड्डा बन चुका था ये करप्शन। तो अभी 2.5 साल का गैप है, तो अब मैं फिर से कहती हूँ कि अगर भगवान के आशीर्वाद से और पब्लिक के आशीर्वाद से बनती हूँ तो जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं वो दूर कर। एक सवाल और, सत्ता पक्ष जो है भाजपा है प्रदेश में और केंद्र में भी, और ऐसे में अगर मान लीजिए आपको जनता चुनती है फिर से, तो कितनी चुनौती आप इसे मानेंगे क्योंकि आप कांग्रेस से होंगे मेयर? देखिए ऐसे हैं, पहले जो मेयर का इलेक्शन था वो काउंसिलर से भी होता था, अब डायरेक्ट इलेक्शन है तो मैं इंडिपेंडेंट होकर काम करूँगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, और ट्रांसपेरेंसी लाऊंगी पूरी और ईमानदारी से निष्ठा से काम करूँगी जनता के लिए, पब्लिक के लिए, अपने शहर के लिए। भाई साहब की उतारे हैं बहुत सोच समझ के उतारे हैं, खासतौर पर तब जब भाजपा की कहीं ना कहीं सत्ता लहर जो है लहर भी है और सत्ता भी है प्रदेश में, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए इसे? हम सभी सीटें 20 की 20 सीटें और मेयर की भारी बहुमत से जीत जाएंगे, जनता के आशीर्वाद जी। और एक कहीं ना कहीं पहले होता था बीतरागात की भी बात आती है, उसके बाद जो नाराज़ हैं जो हमारे वर्कर हैं जिन्होंने टिकट मांगी है उनको किस तरह से जोड़ेंगे? कोई बीतरागात नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब साथ हैं। आप देखेंगे आज उसके बाद हमारा वर्कर मीटिंग उसमें ही आप देखेंगे कोई भी बीतरागात नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है। वार्ड नंबर 9 से जी। क्या नाम है आपका सर? राजेश कुमार। बीजेपी जनता। किन मुद्दों को लेके आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो मैंने पीछे भी 2013 में चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से मैं रह गया था। मैं वहीं पर वहाँ पर स्थायी निवासी हूँ, पिछले 5 वर्ष हैं और वहाँ की मैंने शुरू से समस्या देखी है। वहाँ पर मेन वहाँ पार्कों के क्षेत्र से समस्या है और कुछ गरीब लोग भी हैं, बल्कि जो भी हैं लोगों चुनाएँ हैं वो समस्याएँ हैं और हम उन्हीं समस्याओं को लेकर पे हम लोग काम करते आगे बढ़ेंगे। तो अगर मौका कैसे करेंगे आप समस्याओं को दूर कैसे करेंगे आप कहाँ से? हम जनता पार्टी के सहयोग से हम काम करेंगे और उसे सब दूर करेंगे जो भी समस्याएं हैं। उनकी मेन 2-3 वादे होंगे आपके कुछ लोगों से? वादे हमारे मेन उनके वहाँ पर हमारे सभी तबके लोग रहते हैं, छात्रों की समस्या मूलभूत राशन की और हेल्थ की और शिक्षा की होती है, हम उन्हीं समस्याओं पर काम करेंगे। कुछ वादे करना चाहेंगे? वादे ये कमरा राजनीति है, इसमें वादे नहीं किए जा सकते। क्या काम कुछ मैडम पॉलिटिक्स के अंदर जो राजनीति है मेयर पद के लिए, आप शौचालय से शुरू हो जाओ फ्लाई ओवर तक, तो मतलब किस किस को गिनाऊँ? सारे जो भी समस्या जनता को आएगी उन सबके लिए अनिल पंगोत्रा और भारतीय BSP खड़ी है, ठीक है ना? जिस भी समस्या, अब आजकल तो देखो मैम पॉलिटिशियन बच्चे के स्कूल में एडमिशन करानी हो तो नेता समस्या आती है, आप तक कैसे पहुँचेंगे? मैडम मैं 25-30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, पहले मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, फिर डिस्ट्रिक्ट बन गया ये, मैं जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष बन गया और कांग्रेस में बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहा, हरियाणा जनता कांग्रेस में रहा, फिर फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का ने मुझे अपना OSD बता लिया, पोलिटिकल सेक्टर एंड OSD। तो जितना इस एरिया को मैं जानता हूँ या फॉर्मर डिप्टी CM हरियाणा चौधरी चंद्रपुर जानते हैं,
किसी कोई तरह से कोई भांति जानता नहीं है, ना जनता मेरे को जानती है। मेरे को अपना परिचय देने की जनता को जरूरत नहीं है। तो आपके टाइम में आपने कितना काम करवाया लोगों को? मैडम ये जितना भी एरिया देख रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का आशीर्वाद है। ये पंचकुला कॉलेज देख लो, ये SDM ऑफिस देख लो, ये 12 MA लाल कुटीन हुआ करता था, वो गिरने वाली थी। और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, जब उनका मैं प्रणाम करता हूँ, वो जब उन्होंने सरकार में आए तो मैं उनके साथ था, तो हमने ये पंचकुला का पैरिस बनाने का वादा किया था और बना के दिखाया। और उन्होंने तो बनाया हमारे जैसे जो थे पंचकुला के रेजिडेंट्स, हमने भी काम को फॉलो किया। अभी रिसेंटली हर्बल पार्क है हमारे 26 एकड़ में, उसका मैंने 50 लाख का बाउंड्री वॉल द्वारा बनाने का काम करवाया। डंपिंग ग्राउंड के ऊपर मैं भूखड़ताल में बैठा, बच्चों को जो ये नजायज़ फीसें लूट दिया प्राइवेट स्कूल, आप मुझे मिली है कि मैं आपको प्रेस रिलीज दूंगा अपने, तो हर एक समस्या पे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मेयर पद के लिए और सारी अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने भी नामांकन किया, उसको लेके कुछ कहें, कुछ टक्कर है आप? मैम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को नॉमिनेशन भरने का अधिकार है। लेकिन आज की तरीके में जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान की जनता इन दोनों पार्टियों से उग चुकी है, नया विकल्प देख रही है। अभी आप देखिए इतिहास में कांग्रेस BJP दोनों को पछाड़ के आम आदमी पार्टी को आगे किया। कुछ कहना चाहेंगे आप? अब हरियाणा में देखो JJP नई पार्टी बनी थी 2 साल पहले, वो सत्ता में आई है। अब BSP को हम नए चेहरे ला करके बहन मायावती जी के आशीर्वाद से, मुनीष झा से है, वार्ड नंबर 9 से आजाद प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना पर्चा भरा। तो किन किन लोग आपसे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं और आप कितना खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो जो अभयपुर गाँव पड़ता है उसके अंदर सीवरेज की बड़ी समस्या है, दूसरी CCTV हो गई, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वहाँ CCTV लगने चाहिए, सेक्टर 14 के अंदर भी जैसे सड़कें ठीक नहीं हैं, तो उन मुद्दों के ऊपर हम चल रहे हैं। और कम से कम जो गरीब आदमी है उनको गरीबी रेखा के कार्ड बनने चाहिए, कुछ वादे आप करेंगे डेफिनेटली, आप उसको करके दिखाएंगे अगर आप जीते। कौन कौन से वादे हैं? हाँ जी, कौन कौन से वादे आप करते हैं आज? एक मैडम अभयपुर गांव के अंदर तो डिस्पेंसरी का है, दूसरा मैं कोशिश ये करूंगा कि वहां पे कोई ना कोई सामुदायिक केंद्र बनाया जाए जिसके अंदर जो विवाह है या कुछ भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे हो सके। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में अपने वार्ड के लोगों को? वार्ड के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि उस दिन अधिक से अधिक मतदाता मत डालें और मुझे भी चाहिए। मनीष चाजर, मैं संदीप सोनी वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। आज मैं कांग्रेस पार्टी के आदेश अनुसार, उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है और मेरी वार्ड की जनता ने मुझ में विश्वास जताया है, इसको लेकर आज मैं यहाँ नामांकन दाखिल करने आया हूँ। आपकी वार्ड की क्या क्या समस्या है जिसको आप पूरा करेंगे अगर आप करें? हमारा वार्ड नंबर 18 बेसिकली जो नगर पार्क के सेक्टर 6 में आते हैं, ये बहुत ही पिछड़ा वार्ड माना जाता है, निगम और सरकार ने अब तक इसमें कोई विकास नहीं किया। सबसे मेन समस्या यहाँ पे इन्हांसमेंट की लड़ाई है, जो हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, इसका अभी तक कोई हल नहीं है। दूसरा डंपिंग है, BJP के मैनिफेस्टो में ये पिछली बार भी था, अब भी था, पर अब तक कोई हल नहीं हुआ। तीसरी आवारा पशुओं की है और पूरे सेक्टर में चारों तरफ झाड़ियाँ घास और बंद प्लाटों में बड़ा ही कबाड़ का माहौल बना हुआ है। किस लिए भरा आपने पोस्ट? समाज में से और शहर में जो पंचकुला प्रदेश में हो रहा है मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, और जो यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे अफसरशाही हुई है या जातिवाद हुआ है उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अभी मेरे लिए ज़्यादा कोई शब्द नहीं है, जो दिमाग में आएगा मैं अभी फिर मैं आपसे बात करूँ। शहर की जनता से आप क्या अपील करेंगे? बहुत अपीलें हैं, अभी दिमाग में नहीं है। क्या काम करवाना चाहते हैं आप? बहुत लंबे काम है, बहुत सारे बुराइयाँ निकालूंगा यहाँ से। जो किस तरह यहाँ पे किस तरह की बुराई है सर, आप पूछो किस तरह की बुराई, किसके लिए आप पूछो, सवाल पूछो मेरे से, कौन सी बुराई है आपको नहीं पता? आप समाज में क्या बुराई है समाज में? हमें आप भी समाज पब्लिक में रहते हुए बुराइयाँ नजर आती होंगी आपको भी सर, आप कुछ बुराइयाँ देख के समाज में खड़े हो रहे हैं बहुत प्रतिनिधि के लिए, जातिवाद का भी है, सारी बातें हैं, सभी चीज़ों के लिए नगर निगम में जितने करप्शन है, रेडी वाले पड़ी वाले और जो आशियाना में दिए हुए हैं, आशियाना की तो उन पर जरूरत ही नहीं है, उन पर तो झुग्गी झोंक के लिए प्लम्बर तक के लिए तो पैसे नहीं होते उनके पास, तो आप उन पर आशियाना की बिल्डिंग और सेक्टर की खराब कर रहे हो, इतनी 2 सालों के लिए आप जमीन दे रहे हो और दे रहे हो, उन पर 2 झुग्गियाँ बना के, वो झुग्गियों में रहने के आदि, ना कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने के आदि। बहुत चीज़ें हैं मैं जो और काम करना है, मैं आजाद उम्मीदवार हूँ, मेरे पास टाइम बहुत।
कि आपने देखा कि आज आखिरी दिन जो था यहाँ पे नामांकन पत्र भरने का, तो जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आके अपना नामांकन पत्र भरा और लोगों से वादे किए और कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो अपने वादों पे खरा उतरे तो उनको वोट दिया जाए। तो तब तक के लिए आप बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। शशि चौरसिया की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।